नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। दिवाली के बाद से देश के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के साथ देश के कई राज्यों में मौसम इस वक्त ठंडा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने ये बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र शुक्रवार यानी आज चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और बांग्लादेश तट को पार कर सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर यूपी में आज यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुरुवार को यहां अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा तो वहीं बुधवार को अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया और एक ही दिन में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। और वायु गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो गुरुवार को वायु गुणवत्ता में उतार चढ़ाव देखने को मिला। यहाँ AQI बहुत खराब दर्ज किया गया। AQI 0 से 50 के बीच अच्छा और 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 450 के बीच गंभीर माना जाता है। अब AQI के 450 से ऊपर हो जाने पर इसे अति गंभीर श्रेणी में माना जाता है। उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे ठंड ने दस्तक दे दी है और यहाँ सुबह और रात के वक्त लोगों को ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन के वक्त अगर हम बात करें तो तेज धूप निकल रही है। उत्तराखंड में गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 28.5 और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो फिलहाल मौसम में किसी तरह के दबाव की उम्मीद नहीं है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर एक बुलेटिन में कहा कि गुरुवार को दबाव के क्षेत्र ने मजबूत होकर गहरे दबाव के क्षेत्र का रूप ले लिया है और वो 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ रहा है और गुरुवार सुबह 8:30 बजे ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पूर्व दक्षिणा पूर्व के करीब 390 किलोमीटर और ओडिशा में पारादीप के दक्षिण दक्षिण पूर्व में 320 किलोमीटर की दूरी पर था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।